हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखने में जितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बनाना उतना ही आसान है इसे। ये फ्रंट साइड से ऐसे जिग जैग नज़र आ रहा है, ये देखिए उल्टी साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इसको बनाने के लिए 2 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे। इस डिज़ाइन को अगर आप बॉर्डर में बनाना चाहते हैं तो आप इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। अगर आपको फुल प्रोजेक्ट पे डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आपको कैसे बनाना है। अकेला बॉर्डर बनाना है तो इतना बॉर्डर बना लें, ऊपर कोई और डिज़ाइन बना लें तब भी ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर पूरे प्रोजेक्ट पे डालोगे तब भी ये बहुत सुंदर लगेगा। इसको लेडी स्वेटर पे, जेंट स्वेटर, जैकेट कुछ भी बना सकते हैं, इसका बच्चों के स्वेटर पे भी बना सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं इस डिज़ाइन में, मफलर बना सकते हैं, कैप पे डाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन में, बहुत सुंदर लगने वाला है। इसको किसी भी कलर में डालेंगे तो सुंदर लगेगा, लाइट कलर में डाल लें, डार्क कलर में डाल लें, बहुत सुंदर लगने वाला डिज़ाइन है और बहुत जल्दी में तैयार होने वाला डिज़ाइन है। आप पहले फंदे डाल लें, मेरे साथ साथ ही बनाएं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे इसे, पहले आप फंदे डाल लें, 2 के मल्टीपल से फंदे डाल लें। ये देखिए फंदे डालिए। अब क्या करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे ही डालते जाएंगे बॉर्डर की तरह, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे ही बनाते जाएंगे। सेकेंड रो, यहाँ पे हमें जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बनाएंगे, जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बनाएंगे। पूरी रो को ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बना लें, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बना लें। पूरी रो को कंप्लीट कर लें पहले। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा स्किप करेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए दोनों फंदों के बीच में ये वाला, दोनों फंदों के बीच में यहाँ से उठाएंगे इसको और यहाँ से सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर इसे निकाल देंगे, फिर आगे धागा करेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से यहाँ से दोनों के सेंटर में से यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए पहले वाला धागा जो सबसे ऊपर वाला, उसे निकालेंगे और यहाँ से सीधा फंदा ऐसे लेंगे, दोनों को एक साथ यहाँ से निकालेंगे। पहले यहाँ से निकाला, फिर सीधा फंदा निकाला, यहाँ से निकालेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से सेंटर में से, ये देखिए यहाँ से जो सेंटर में सबसे पहले वाला ऊपर वाला होगा उसे निकालेंगे और सीधा फंदा ऐसे उठा के दोनों को एक साथ निकालेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनाते जाएंगे और सीधे फंदे को हमने पहले सेंटर में से इस धागे को ऐसे उठाना है
और सीधे फंदे को लेके साथ में दोनों को एक साथ निकाल देना। उल्टा फंदा उल्टा बुना जाएगा। जब सीधा फंदा निकालना है तो इन दोनों फंदों के बीच में से जो धागा है उसे पकड़ना है, वहाँ से लूप उठा के दोनों को एक साथ बनाना है। उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दोनों फंदों के बीच में से जो फर्स्ट फंदा है ये देखिए लूप उठाएंगे और सीधे फंदे को लेके दोनों को एक साथ निकाल देंगे। उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। सीधे फंदे को हमने यहाँ से ये देखिए बीच में से, ये लास्ट वाला है तो लास्ट वाला आप सीधा भी बना सकते हैं। उल्टी रो में जो हमें उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बना लेंगे, जो हमें सीधा नज़र आ रहा है उन्हें सीधा बना लेंगे। पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीधी रो, पहला फंदा स्किप किया, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से फिर से हमें यहाँ से निकालना है लूप और सीधे फंदे को साथ लेके दोनों को एक साथ निकालना है। उल्टा फंदा उल्टा बनाते जाएंगे और सीधे फंदे को बीच में से पहले लूप उठाएंगे और सीधे फंदे के साथ यहाँ से लूप उठा के सीधे फंदे के साथ सीधा बनाते जाएंगे। उल्टा फंदा उल्टा बनाते जाएंगे। ऐसे हमें अगर आपने जितना ये बनाना है ऐसे जिग जैग जैसा बनता जाएगा। यहाँ से सेंटर से निकाला लूप, सीधे फंदे के साथ दोनों को एक साथ निकालेंगे। उल्टा फंदा उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से निकाला, सीधा बनाया, दोनों को एक साथ निकालना है फ्रेंड्स। उल्टा फंदा उल्टा बनाना अपनी तरफ धागा करके, सीधी तरफ से यहाँ से लूप निकालेंगे दोनों के सेंटर से और सीधे फंदे के साथ दोनों को एक साथ बना लेंगे। उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए उल्टी रो में जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बना लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो गया। एक बार और कर लेते हैं। उल्टा धागा पीछे करेंगे, सेंटर से लूप उठाएंगे, सीधे फंदे के साथ दो का एक कर लेंगे। उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सेंटर से उठाएंगे, दोनों को एक साथ बना लेंगे। उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेके सीधा बनाएंगे। उल्टा फंदा उल्टा, बीच में से लूप उठाना फ्रेंड्स और सीधे फंदे के साथ दोनों को एक साथ निकालना है। उल्टा फंदा उल्टा सीधा, दोनों को एक साथ लेके एक साथ निकालना है। जब आप बनाने लग जाओगे तो आपको भी बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप बनाने की जब करेंगे इसको कोशिश तो आपको ज़रूर आ जाएगा। उल्टी रो में वैसे ही बनाना है, सीधे का सीधा उल्टे का उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीन सीधी तीन उल्टी रो बना के कंप्लीट कर लिया। अगर आपने और ज़्यादा करना है तो एक रो और बना सकते हैं। अब हम इसको इस साइड पर लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे? पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। पहले हम इधर से लूप उठा रहे थे, यहाँ से सेंटर में उठा रहे थे, अब हम आगे वाली साइड से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और इस फंदे को साथ में लेके पहले सीधा बनाएंगे, यहाँ से लूप उठाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाया, इस फंदे को ऊपर से जो लूप उठाया था उसे ऊपर से निकाल देंगे। धागा अपने तरफ करके उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से ध्यान से देखिए, ये देखिए लूप नज़र आ रहा है, इसको उठाएंगे और इस फंदे को पहले सीधा बनाएंगे, फिर जो लूप उठाया था उसको उसके ऊपर से निकाल देंगे। उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से इस लूप को उठाएंगे, सीधे फंदे को सीधा बनाया, इस लूप को इसके ऊपर से निकाल देंगे। उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे, इस लूप को उठाएंगे, सीधे फंदे को सीधा बनाया, लूप को ऊपर से निकाला। पूरी रो में हमें ऐसे ही करते जाना है।
उल्टा फंदा उल्टा बनाते जाएंगे, इस लूप को उठाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से निकालेंगे, उल्टा फंदा उल्टा, यहाँ से इसे निकाला, इस फंदे को लूप को उठा के इस फंदे को सीधा बनाया, इस लूप को ऊपर से निकाल देंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, उल्टी रो में जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा, जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम सीधी साइड आ गए, पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से आगे वाली साइड से लूप उठाएंगे और सीधे फंदे को पहले सीधा बना लेंगे, फिर इस लूप को इसके ऊपर से निकाल देंगे। ऐसे ही पूरी रो को ऐसे ही बनाते जाएंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे, लूप उठाएंगे, इस पे पहले इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर इस लूप को इसके ऊपर से निकाल देंगे। उल्टा फंदा तो उल्टा ही चलता जाएगा, यहाँ से उठाया, सीधा फंदा पहले सीधा बनाएंगे, फिर इस लूप को जो नीचे से उठाया था इसके ऊपर से निकाल देंगे। उल्टा फंदा उल्टा, लूप उठाया, सीधा बनाया, लूप को इसके ऊपर से निकाला। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, एक बार आप बनाना शुरू कर दोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, बिल्कुल आराम से बनता जाएगा। हमने तीन बार यहाँ से बनाया था, तीन बार इधर बनाएंगे तो हमारा एक पूरा हो जाएगा जिगजैग। यहाँ से लूप उठाया, फंदा सीधा बनाया, लूप को ऊपर से निकाला, उल्टी रो में वैसे ही जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बना लेंगे, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बना लेंगे। सीधी साइड पे आ गए, हमने तीन बार ऐसे किया था, इधर गए थे तो तीन बार हमने बनाया था, इधर दो बार बन गया, एक बार और बनाएंगे तो तीन बार इधर भी बन जाएगा। तीन बार आगे से लूप उठाएंगे, तीन बार पीछे से उठाएंगे, ऐसे ही जिग जैग हमारा चलता जाएगा। उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, लूप उठाया, सीधा फंदा बनाया, सीधा फंदा बनाने के बाद लूप उठाया, फंदे को सीधा बनाया, सीधा फंदा बनाने के बाद फिर लूप उठाएंगे, निकालेंगे ऊपर से ऐसे, फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, लूप उठाया, पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इस लूप को ऊपर से निकालेंगे। पूरी रो को हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। लूप को ऊपर से निकालेंगे, धागा यहाँ से लूप उठाएंगे, आगे से फंदे को सीधा बनाएंगे, लूप को ऊपर से निकाल देंगे। उल्टी रो वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे, एक सीधा एक उल्टा। ये देखिए, पहले हमने जब सीधा बना रहे थे, इस साइड पे जा रहे थे, तो लूप हम इनके बीच में से उठा रहे थे, और जब इधर लाए तो आगे से लूप उठाएंगे। ये आपको याद रखना है, ऐसे ही हमारा जिगजैग ऐसे ही चलता जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट पे डालोगे, जब आप बॉर्डर डालोगे तो इतना बॉर्डर बना लें, एक बार इधर जाएं, एक बार इधर जाएं, ऐसे बॉर्डर बना लें, ऊपर कोई और डिज़ाइन डाल लें। अगर पूरे प्रोजेक्ट पे डालना है तो फिर आप ऐसे ही बनाते जाएं, ऐसे ही आपका जिगजैग ऐसे ही चलता जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। इसको बना के ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। आप वो मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।